हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइंग सर। तो आज हम एक्रेलिक कलर से किंग फिशर बर्ड की पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर्स है, जैसे लेमन येलो और क्रिम्सन, पर्शियन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू। तो इन सभी कलर से हम जो है आज पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बट की जो लाइट कलर की जो शेड्स हैं हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम मिडिल टोन, उसके बाद उसकी डार्क टोन यूज करने वाले हैं। तो आप देखिए हम किस तरह से पेंटिंग जो है बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो जो बर्ड में जो हमारा लाइट कलर यानी कि लाइट ब्लू जो दिख रही है उसकी जो शेड्स हैं वो है कोबाल्ट ब्लू, जो हम लाइट शेड्स के लिए यूज कर रहे हैं। और सेकंड कलर हमारा जो रहेगा यानी कि मिडिल कलर टोन बनाने के लिए हम उस जगह पे पर्शियन ब्लू को जो है कोबाल्ट ब्लू के साथ मिक्स करके हम उसकी सेकंड टोन बनाएंगे। और उसकी जब हम डार्क टोन बनाएंगे तो हम पर्शियन ब्लू को यूज करनी है। और किंगफिशर की जो नेक यानी गर्दन है तो गर्दन पे हम लेमन येलो, ऑरेंज और क्रिम्सन रेड के साथ साथ हम स्कारलेट रेड को भी यूज करनी है। तो सबसे पहले लाइट में हमें येलो यूज करनी है, उसके बाद उसके साथ ही मिक्स करते हुए हमें ऑरेंज कलर को यूज करेंगे। फिर वहाँ पे हम स्कारलेट रेड को यूज करते हुए उसकी लास्ट टोन बनाएंगे। और सबसे उसकी जो डार्क टोन रहेगी वहाँ पे हम थोड़ी सी क्रिम्सन को स्कारलेट के साथ मिक्स करके हम उसकी डार्क टोन को बना लेंगे। तो इन सभी कलरों में सबसे पहले हमें लाइट की जो भी हमारी बर्ड में जो लाइट कलर दिख रही है पहले हम उसको एक बेस बना लेंगे। बेस बनाने के बाद फिर हम उसकी मिडिल टोन, उसकी डार्क टोन, तो इसी तरह से जो कलर्स हैं हम उसको यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, पेंटिंग के साथ हम थोड़ी किंगफिशर के बारे में भी बातें करते हैं। तो भारत में जो किंगफिशर है उनकी 12 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि अभी बदलते एनवायरनमेंट की वजह से इनकी जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। किंगफिशर बर्ड बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, जिसमें कि बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। अधिकांश किंगफिशर की लंबी तेज चोंच और अच्छी दृष्टि होती है, जो उन्हें दूर से अपने शिकार को पहचानने में सहायता करती है। किंगफिशर अपने अद्भुत शिकार गुणों के लिए जाने जाते हैं। वे पानी के भीतर मछली का शिकार भी आसानी से कर लेते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो इनमें कलर भी बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो भारत में एक प्रजाति है जो हम आसानी से हम देख सकते हैं, तो उसी प्रजाति की जो किंगफिशर बर्ड है उसकी हमने आज पेंटिंग बनाए हैं। तो उसमें जो कलर्स आप देख रहे हैं तो वो हमारे इंडिया में पाए जाने वाली एक प्रजाति की है। तो इसी तरह से अलग अलग प्रजाति की अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, किंगफिशर के बारे में अभी हम थोड़ी सी जानकारी हमने हासिल की। तो आगे हम पेंटिंग पे फोकस करते हैं और देखते हैं हमारे पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद किस तरह से दिखती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। आपकी एक कमेंट हमें आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करती है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आपको सिखा सकें और उसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो थैंक यू। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहें।